आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। इसके पहले हमने देखा था लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, वो सब हमने क्लियर किया था एक वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने देखा था करेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए नेचर या उसकी विशेषताएं भाषा की क्या होती हैं, वो सब देखा था हमने। तो वो उन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। फटाफट स्टार्ट करते हैं। 8 पॉइंट गिवन है इस बुक में, तो हम 8 पॉइंट कवर करेंगे, वैसे कई सारे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। इन्फॉर्मेटिव फंक्शन जैसे हम पढ़ के समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन पास करना, ओके, कम्युनिकेशन के थ्रू। एक पर्सन भी दे सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, या कई, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, या एक पर्सन का कई लोगों को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि साइंस टीचर है, वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दे रही है क्लासरूम में, तो वहाँ पे वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो कई सारे बच्चों को दे रही है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम न्यूज़ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, रेडियो से बहुत सारी, या फिर जब लीडर देते हैं लेक्चर, मतलब अपनी स्पीच देते हैं, तो उसे हम देखते हैं, तो वो एक ही पर्सन कितने सारे लोगों को देता है। तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेटिव फंक्शन का मतलब कि किसी को भी अपनी बात को कहना, या एक व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्ति को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेकंड फंक्शन है लैंग्वेज, मींस लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिव। लैंग्वेज एक्सप्रेसिव होता है कि इस जैसे कि अपने फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, आइडियाज़, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, इन सभी चीज़ों के थ्रू, इमोशन के थ्रू हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और ये सब अगर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ओके, जो कि सामने वाला पर्सन उस लैंग्वेज को जानता हो, उसे समझ सके, ओके। तो लैंग्वेज का बुनियादी काम क्या है, मतलब बेसिक फंक्शन क्या है कि किसी मतलब कि अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति देना, ओके। किसी भी सिचुएशन में सडनली चेंज होना, जैसे कि फियर, डिलाइट मतलब खुशी, या फिर डर लगना, या फिर पेन होना, या फिर कन्फ्यूजन, तो ये सब जब ये क्या है, एक्सप्रेशन ही तो है, हम एक्सप्रेस करते हैं। और ये एक्सप्रेशन ना हम जानबूझ के करते हैं और ना ही कॉन्शियसली करते हैं, ये हमें सडनली होता है। सडनली वो हमारा मतलब सिचुएशन चेंज हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ से डर गए तो वो एक्सप्रेशन डर वाली आएगी, खुश रहेंगे तो खुशी वाली आएगी। तो ये सब क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस है, कि मतलब सहज है, ये वो स्वाभाविक है, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना ही एक्सप्रेसिव फंक्शन है। जैसे जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन में उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, अपनी फीलिंग को वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ओके। हम खुद ही देखते हैं कि जैसे हम कोई बुक पढ़ के या कोई स्टोरी पढ़ के हम कितने इमोशनल हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा गया होता है कि ऐसा कि उसमें लैंग्वेज का ही तो मतलब यूज़ है कि वो ऐसा लिखा गया कि हम इमोशनल हो जाते हैं, ओके। या कुछ इतना इंस्पायरिंग होता है कि जिससे हम इंस्पायर होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, तो वो सब किसका कमाल है, वर्डिंग का ही कमाल है, लैंग्वेज का ही कमाल है, वर्ड्स का ही कमाल है, ओके, लैंग्वेज का ही कमाल है ये सब। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टिव फंक्शन, मतलब कि किसी को दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना या किसी चीज़ को करवाना, ओके, किसी एक्शन को, ओके। जैसे कि देखिए, जब आर्मी बोलता है मार्च में मतलब परेड करवाता है, आगे बढ़ने के लिए बोलता है, तो वो सिर्फ मतलब कि बताता है, वो मतलब कि इंडिकेट करता है और वो समझ जाते हैं। जब टीचर बोलती है बच्चों को कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पे, तो वो सिर्फ बोलती है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वहाँ पे वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, उसका इंटेंशन सिर्फ ये है कि वो बुलाई तो वो लिखना है उसको वहाँ पे, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो इंडिकेशन है, एक डायरेक्शन है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि रहता है डू नॉट पार्किंग हियर, वहाँ पे कैरो बना रहता है, तो वो इंडिकेशन है, वहाँ पे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है, बट वो सिंबल से हम समझ गए कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। हम सिग्नल पे देखते हैं जो लाल बत्ती, हरी बत्ती और येलो रहता है, तो उसका मतलब रेड है तो रुक जाओ, ग्रीन है तो चले जाओ, तो वो क्या है कि वो डायरेक्शन दे रहा है, कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है, बस उतने से हम समझ गए। कहीं पे लिखा होता है डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ पे मत थूको, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, तो वो सब क्या है, लिखा रहता है, या फिर कोई एक क्रॉस बना रहता है, या फिर कुछ भी रहता है, तो वो उससे हम समझ जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन देना, इंडिकेशन देना, ओके, लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेटिव फंक्शंस, मीन्स टू एक्सप्लेन और टू ट्रांसलेट, ओके। तो इंटरप्रिटेटिव फंक्शन मीन्स कि ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव फंक्शन के जैसा ही है। जब कोई पर्टिकुलर अकरेंस मीन्स किसी घटना या किसी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के थ्रू मीन्स कि किसी स्टिमुलस के थ्रू आती है कोई एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे क्या होता है
किसी विशेष स्थिति की व्याख्या करती है और उसके बारे में जागरूक होने का कार्य भी करती है। जैसे कि देखिए, जब कोई बच्चा रोता है, कोई एनिमल का ही जानवर ले लीजिए कि जब वो बच्चा रोता है तो मतलब कि किसी एनिमल के ही बच्चे को ले लीजिए, सॉरी, तो फिर वो क्या होता है कि उस डेंजर को वो समझ जाता है, और वो तो नहीं समझ पाता बट वो रोता रहता है, लेकिन जो उसके और भी मेंबर रहते हैं उस स्पीसीज़ के जो और मेंबर रहते हैं वो समझ जाते हैं, उस डेंजर को भांप लेते हैं। वो तो इतने से मतलब इंटरप्रेट किया उस प्रॉब्लम को देख के, उस सिचुएशन, किसी डेंजर को देख के वो रोया, लेकिन उसके बाकी के लोग उसके उसके बारे में समझ गए, तो उससे वो अलर्ट हो जाएंगे, उसके बारे में जागरूक हो जाएंगे कि हाँ ये क्यों रोया, इस चीज़ से वो डरा, इस चीज़ से उसे डर है इसलिए वो रोया, तो वो समझ जाएंगे तो कि वहाँ तो ये क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, व्याख्या करना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन करना, तो वो उससे जागरूक भी हो गए और अलर्ट भी। तो ये मानव में बहुत अच्छे से होता है कि वो अच्छे से समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन मानव में सबसे अधिक होता है, वो किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब व्याख्यानात्मक कार्य मीन्स कि इंटरप्रिटेटिव फंक्शन किसी संज्ञानात्मक असमानता की स्थिति को बहाल करने का कार्य करता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कुछ लगता है उसे कि प्रॉब्लम आ गया तो उसे सॉल्व कर सकता है, उसे बैलेंस में कर सकता है किसी चीज़ को। ओके, जब वो इंटरप्रेट ही कर लेगा किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से, उसका अच्छे से उसे नॉलेज हो गया, अच्छे से उसे इंटरप्रेट कर लिया, तो वो किसी भी प्रॉब्लम का उससे अकॉर्डिंग, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से सोल्यूशन उसका निकाल सकता है, उसे सॉल्व कर सकता है। जब कोई स्टिमुलस इस तरीके का कंडीशन जैसे अनिश्चितता वाला या कुछ नयापन, नॉवेल्टी मतलब अपने आप में ही क्रिएट करता है, और तो इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही उसे समझ के, उसकी व्याख्या करके उसकी सिचुएशन को समझ लेते हैं और उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। इस तरीके का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो मदद करता है किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक, उसकी स्थिति कैसी है उसे एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्थिति या स्थान पर रखने में मदद करती है, मतलब कौन सी चीज़ उसे प्रॉब्लम दे सकती है, कौन सी चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ये सब चीज़ें समझने में और उसे एक पोजीशन में रखने में वो हेल्प करती है उसे, ठीक है, उसे अच्छे से समझने में वो हेल्प करती है लैंग्वेज के थ्रू। मतलब कि किसी चीज़ को जब हम अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाती है, इससे कब हमें खतरा हो सकता है या कब हमें इससे फ़ायदा हो सकता है या हम इसका कब बेनिफिट ले सकते हैं और इससे हमें कब लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम तभी समझ पाते हैं जब हम उसे अच्छी तरीके से समझ जाए, जब उसे हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल फंक्शन या फिर रेगुलेटरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, मीन्स टू कंट्रोल, कंट्रोल करना किसी को। हम किसी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल के थ्रू, अपने रूल्स के थ्रू या फिर एडवाइस, सजेशन, इन सब के थ्रू हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने से मतलब सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, इसका मतलब कि सोशली डायमेंशन भी होता है इसका, कंट्रोल करने का मतलब धीरे धीरे कंट्रोल करना कैसे सीखता है कोई बच्चा, जब धीरे धीरे जब वो स्टार्टिंग में किसी स्टिमुलस और साउंड के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि देखिए, तो मतलब रिएक्शन एक होता है जब बच्चा रोता है, जब उसे भूख लगती है या उसे वो किसी पेन दर्द से सफ़र कर रहा होता है तो वो रोने लगता है अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए, तो यहाँ तक कि कोई जानवर के भी बच्चे होते हैं तो जब वो रोते हैं तो उनकी माँ जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, जल्दी जल्दी उसे दूध पिलाने की, खाना खिलाने की या दवा देने की कोशिश करती है ताकि मतलब कि उसे ताकि उसकी हेल्प कर सके। ओके, तो ये क्या है, यहीं से कंट्रोल करने की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोल करना यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, इंसान हो या फिर कोई भी, तो यहीं से वो कंट्रोल करना सीखने लगता है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को। ओके, या यूँ कहे किसी पर्सन को। तो जब बच्चा रोता है तो वो क्यों रोता है, ताकि उसकी माँ का अटेंशन उसकी तरफ हो और उसकी आशा हो, तो वो इस आशा में रहता है कि हाँ उसकी माँ का अटेंशन उसकी तरफ जाए और वो उसकी हेल्प कर सके। और धीरे धीरे यही अटेंशन क्या होता है कि जो उसे सबसे जो उसका जो उसके सबसे क्लोज होता है, जो उसके करीबी रहता है, जो उसे हर सिचुएशन हर पोजीशन में सपोर्ट करता है, तो वो उस पर अटेंशन देने लगता है और उसकी तरफ ही मतलब अट्रैक्ट रहता है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मास्टरिंग द एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी टू कंट्रोल। यही से वो बच्चा महारत हासिल करता है कि मतलब कि यही सिचुएशन को कंट्रोल करना वो सीख लेता है, ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है यहाँ से।
तो यहाँ पे बच्चा जानबूझ के भी नहीं करता, कॉन्शियसली भी नहीं करता, बट वो क्या करता है कि सहज रूप से उसे रोना आएगा ही, जब उसे भूख लगेगी, जब उसे दर्द होगा, तो फिर धीरे धीरे कि ऐसे ही सिचुएशन होता जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है एनवायरनमेंट में, उसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है जिसके थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और कंट्रोल भी कर पाता है किसी भी चीज़ को। ओके, तो बाद में लैंग्वेज, यहाँ पे तो वो रोना सीखा, फिर धीरे धीरे चिल्लाना सीखेगा या फिर किसी चीज़ के लिए जीत कर, धीरे धीरे क्या होगा, लैंग्वेज ही मेन चीज़ हो जाती है कंट्रोल करना। जैसे कि हम किसी को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं ना कि बच्चे को जैसे कि क्लास में शोरगुल मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, ओके, या फिर जो स्कूल में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें अटेंशन देने के लिए बोलते हैं, या डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर बोलता है आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है कि वो सजेशन दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू मैंने बताया, जैसे आपको सजेशन, एडवाइस, प्रिंसिपल, थॉट्स, आइडियाज़, इन सब के थ्रू कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग, या फिर इसे कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं इसे। देखिए, विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड्स, बिना वर्ड्स का यूज़ किए हम किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते। बच्चा तभी ये याद कर सकता है जब वो इस वर्ड को जाने, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हो ऐसे, तो बिना वर्ड्स के तो कुछ भी इम्पॉसिबल है। हम किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते, किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, किसी चीज़ को बोल नहीं सकते, जब वर्ड ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ओके, तो किसी ये इम्पॉसिबल है किसी चीज़ को रिकॉल करना, मतलब किसी चीज़ को याद करना, फिर अगर भूल गए तो उसे याद करना। तो सपोज़ कि ये बुक ही है, तो अब मुझे इस हम लोग इसे हमारी कम्युनिटी से जैसे कि हम लोग जानते नहीं इसे बोलते क्या हैं, तो ये खो गई है, तो हम बार बार इसे क्या बोलेंगे कि मेरी वो बुक कहाँ पे है, तो जब जानते रहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो ऐसे समझ ही नहीं पाएगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ को हम किस कौन सी चीज़ हमें चाहिए। तो नाम है तो प्रॉपर पता है कि हाँ वो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वर्ड्स का ही कमाल है, लैंग्वेज का ही कमाल है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, लैंग्वेज ही है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस को बताने में, इनकोड करने में हेल्प करती है, उसे स्टोर करने में, उसे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है या फिर जो हमारी लर्निंग है उसे स्टोर करने में, उसे रिट्राई में से उसे वापस से याद करने में तो हेल्प करती है लैंग्वेज ही। ओके, हम याद करके रखे हैं, तुम्हें पता होगा ना कि हाँ याद है, कोई भी चीज़ याद है, जब टीचर पूछेगी कि बच्चे से कोई पोएट्री, तो वो अच्छे से बता लेगा क्योंकि उसे वर्डिंग याद है ना, तो वो बता लेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फंक्शन, लैंग्वेज परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन। तो लैंग्वेज सिर्फ हमारे आइडेंटिटी को ही बढ़ावा नहीं देती है, वो हमारे सामाजिक पहचान की भावना को विकसित करने का भी कार्य करती है। बिलोंगिंगनेस मीन्स अपनेपन की भावना, और एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना, अपना अपने मतलब कि अपने लोगों से बातें करना, अपना ग्रुप बनाना खुद का, अपने लोगों की, अपने कम्युनिटी का, अपने फ्रेंड्स का, और किससे हम दूर रहते हैं, किसके हम ज़्यादा करीब रहते हैं, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, लैंग्वेज के थ्रू ही। जो हमारी भाषा बोलेगा, जो हमारी भावनाओं को समझेगा, जो हमारे एक्सप्रेशन को समझेगा, जो हमारे फीलिंग्स, दुख, दर्द, तकलीफ़ को समझेगा, तो वो हमारे करीब रहेगा। जो इन सबसे परे रहेगा, जो हमारी इन सब भावनाओं को नहीं समझ सकता, या जो हमारी कम्युनिटी का नहीं है, जो हमारी भाषा ही नहीं समझ सकता, तो वो उनसे क्या रहेगा, एक दूरी ही रहेगी। ओके, क्योंकि ना वो हमें समझ सकता है, ना हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं समझ सकते एक दूसरे की। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे कि देखिए, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है हमारा, जो जनगणमन है, वो है तो कुछ नहीं, बट क्या है, सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स है, सिर्फ क्या है, ना ही कुछ थिंग है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, एक लिखी हुई चीज़ है, कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स है, जो क्या बनाता है, जो हमारे बीच में सोशल आइडेंटिटी की भावना को बनाए रखता है, कि ये इसे हम कितने सम्मान से देखते हैं, कि ये बजता है जब कहीं पे प्ले होता है ये, तो हम मतलब कि स्टैंड पोजीशन में आ जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, और इससे हमें लगता है कि हाँ इसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे देश की मतलब आन बान शान की तरह देखते हैं। तो ये क्या है कि हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं और इसे हम समझते हैं अच्छे से, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कह रहा है और ये है क्यों। तो वो सब चीज़ें क्या है, लैंग्वेज ही, वर्ड्स ही है, वर्ड्स का एक सेट ही है, तो फिर हम भी इससे, फिर भी हम इससे कितना कनेक्टेड हैं। ओके, और हम सभी इंडियंस, ओके, हाँ, बट कभी कभी क्या होता है कि यही जो सेंस होता है सोशल आइडेंटिटी की, ये काफ़ी छोटी हो जाती है, मतलब नैरो हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, जिससे क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, झगड़े होने लगते हैं, टकराव होने लगता है एक दूसरे ग्रुप के बीच में। जैसे कि देख सकते हैं हम
अनफॉर्चुनेटली हम अपने ही देश में देख सकते हैं ऐसी चीज़ें कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के, या फिर और जो अलग हैं जैसे क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, या जो क्रिश्चियन हिंदू हैं, या फिर जो भी हैं, यहाँ पे इतने सारे हैं। तो फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा मन मुटाव हो ही जाता है कि देखते हैं हम कि जैसे कभी कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है कि जब उनका त्यौहार होता है जैसे ईद होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दंगा फसाद होने वाला है। तो मतलब होता क्या है कि एक दूसरे की कभी कभी हम सोशल आइडेंटिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही नैरो थिंकिंग रखने लगते हैं। ओके, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी अराइज़ होने लगते हैं बहुत बार, बहुत देशों में भी देखा जा चुका है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिव फंक्शन। लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। लैंग्वेज क्या करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेजिनेटिव होने में। बहुत ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति कब हो सकता है, जब उसे किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज हो, किसी भी भाषा लैंग्वेज के बारे में अच्छी पकड़ हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब कोई पोइट्री लिखता है, नॉवेल लिखता है, तो ये विदाउट लैंग्वेज तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स और सेंटेंसेस का ही कमाल है, सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है जो कितना क्रिएटिव बना देता है इंसान को, कितना इमेजिनेटिव बना देता है। ओके, तो हमने जो पहले पढ़ा कि ये सिर्फ कंट्रोल रेगुलेट नहीं कर सकता, करता हमारे कॉग्निशन को, हमारे संज्ञान को, हमारी सोच विचार को, बल्कि क्या करता है, ब्रेक फ्री करता है, मतलब कि क्रिएटिव इमेजिनेशन भी देता है, प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इमर्जेंस ऑफ वेरी क्रिएटिव इल्यूजन ऑफ बिलीफ सिस्टम इन द मेंटली। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों को मेंटली प्रॉब्लम होता है, तो फिर क्या होता है कि उन्हें लैंग्वेज के थ्रू ही बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, उनकी हेल्प करता है उन्हें समझाने में। ओके, सो लैंग्वेज इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव जीवन में, बिना लैंग्वेज के कोई भी काम नहीं हो सकता। इंसानों की कोई कुछ सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, जैसे हम अमेरिका के बारे प्लेस, हम अमेरिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर एक नाम दिया उसे, वर्ड्स वर्ड्स के थ्रू हम उसे समझते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो किसी वर्ड के थ्रू ही सोचते हैं। तो कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के अलावा जो लैंग्वेज है वो साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की दुनिया में देख सकते हैं हम कि देखिए जितने सारे अभी आपके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे कि जीन पियाजे या फिर ब्रूनर, ये सब क्या है, ये अलग अलग वर्ड दे रहे हैं, जैसे कि स्कैफोल्डिंग, वाइकेरियस लर्निंग, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो ये सब क्या है, वर्ड्स के थ्रू ही तो उन्होंने समझाया ना लोगों को, नहीं तो वर्ड्स ही नहीं होता तो कैसे समझाते वो। तो इतने सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वर्ड्स की खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, उसे एक नाम दे रहे हैं प्रॉपर, फिर उसी नाम के थ्रू वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए ये आज के हमारे सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है लैंग्वेज का। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी लिंग्विज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो मल्टी लिंग्विज्म में भी कई सारे हम वीडियो देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।